आज हम थोड़े से जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज रियान थोड़ा सा जल्दी जाग गया था आज, तो इन्होंने हम सबको उठा दिया और मिता जो भी सो रहा है। और आज मम्मी की बारी है रोटी बनाने की क्योंकि मुनी गई हुई है मेरी फुआ के घर, वो वहाँ 2-3 दिन रुकेगी। अभी मैं पहले कर लेता हूँ नाश्ता, रोटी और चाय। गर्मा गर्म रोटी बन रही है। आज कौन रोटी बना रहे हो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रोटी बन चुकी है और अभी बाजरे की रोटी बन रही है। तब गेहूं की रोटी बन रही थी, अब बाजरे की रोटी। ये हम सब देसी चूल्हे पे ही बनाते हैं। ये हमारा देसी चूल्हा है। देखो सुबह सुबह रियान तो जल्दी उठ गया था, हमें भी उठा दिया। रियान आज तूने तो, ये क्या है हाथ में? हाथ में क्या है? इसको फुका भी नहीं दी थी, तो कर देते। वो लेकर आया क्या? फ्री है रियान, तुझे रोटी बनाने आती है कि नहीं? तो आज बनी हुई है उड़द की दाल, उड़द दाल है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने इसमें लास्ट पानी अभी गेहूं में पिला दिया है क्योंकि अब सुबह से मैं यहाँ ही था, आया हुआ था। तो अभी हमने गेहूं में जो लास्ट वाला पानी था वो अभी हमने पिला दिया है। और इसके बाद शायद ये अभी भी 30 दिन तक ये रहेंगे, फिर इनको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मालदारी भी अभी आए हुए हैं बकरियों को चराने के लिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मितास क्या बना रहा है? थेपला। तो मैं अभी गेहूं में पानी देने के बाद अभी अभी पहुंचा हूं। तो मैंने देखा तो मितास और मम्मी कुछ बना रहे हैं और रियान, हाँ वो भी कुछ बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये गेहूं के आटे की पूरी बनाई हुई है। इसमें ऐड किया हुआ है गुड़ का पानी और फिर इनको उनको हम थेपले बोलते हैं। तो बीमा तेल गरम ज़्यादा हो चुका है तो इंडक्शन बंद कर दो या फिर उनको फ्राई कर लो। तो देखो यहाँ पे बन रही है हमारी पूली।
हम बोलते हैं इनको थेपला, क्योंकि मितांश और रियान दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुबह सुबह नाश्ता करने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे भी। तो कल सुबह मिलेंगे चाय के साथ थेपला। बाय बाय। और रियान खा रहा है अभी अभी, जो मैं पानी देने के लिए गेहूं में गया तो हुआ था, वहां से मैंने तोड़े हुए है। ये क्या है? जंगली बेर, जो छोटे छोटे होते हैं वो मैंने तोड़े हुए थे। और रियान की तरह छोटे छोटे होते हैं, तो रियान अभी वो खा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हुए हैं, जो हमारा ट्रिप प्लान है उनका फिल्टर है, उनको साफ करने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे लाइट आ जाती है, तो इनको अभी फिल्टर को साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा जो वाटर पंप है वो स्टार्ट हो जाता है सुबह 6 बजे। तो अभी मैं इनको साफ कर लूँगा पहले। रहने दे, टूट जाएगा बेटा। तो ये है साफ होकर, मैं यहाँ ले आया हूँ। हो गया। तो अब मैं जो हमारा दूसरा खेत है वहाँ से पानी देकर मैं घर वापस तो आ ही चुका हूँ। तो ये हमारे गेहूँ देख लीजिए, तो यहाँ पे अभी भी 10 दिन शायद लगेंगे, और फिर हार्वेस्टिंग मशीन से हम इनको निकाल लेंगे। और अभी हार्वेस्टिंग मशीन भी आने लगे है। तो अभी मितांश है, वो अभी होमवर्क कर रहा है उनका ट्यूशन क्लासेस का, देखो। और लाइट भी चली गई हुई है, ऊपर नहीं दिखाई देता, जो लाइट है वो बंद है। तो लाइट होती है तब ये होमवर्क अच्छी तरह से नहीं करता, और जब अब चली गई है तो उनको जल्दी है करने की, क्योंकि ये हमने नया लैंप लिया हुआ है, वो लैंप एलईडी लैंप हमने लिया हुआ है, सार जो रिचार्जेबल है वो, तो इनको स्टार्ट करने में उनको बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो होमवर्क कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट करना, हाँ वो पता है, वो पता है। देख अंधेरा हो गया, वाओ ये स्टार्ट हो चुका है, ओ लाइट गई हुई आई। चलो ठीक है, बाय बाय।
कैसे हो? तो अभी हम इवनिंग तो हो गया था, फिर अभी हम सब ने खाना खा लिया है और अभी टाइम हुआ है कि ना हुआ है? नहीं हुआ है। 8:40 अभी हमारे खेत में वाल लगाए हुए थे, वो भी होने लगे हैं। और ये देखो अभी सोच सकते हैं नहीं ऐसे मत कर कीजिए। देखो ये वाल की सब्जी आज कल सुबह बनानी है, तो आज से हम थोड़ा सा प्रिपरेशन इनका कर लेंगे। इनको खोल लेते हैं। ये छोटे वाले हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो करते हैं खत्म, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।